गुड इवनिंग, वेलकम करती हूँ आज के ब्लॉग। और आज आप सभी लोगों को इनवाइट कर रही हूँ मेरे इस टी ब्लॉग में। आज आप लोगों को मैं पिलाने वाली हूँ टी, साथ आइए गरम गरम टी पीजिए। तो इस सर्दी के मौसम में किसे अच्छा नहीं लगता है चाय पीना, कॉफी पीना, राइट? तो नॉर्मल घर में ना सर्दी आते ही जहाँ पे दो कप बनता है चाय, वहां पे बन जाता है चार पांच कप, और मेहमान आए तो और ज्यादा। टी हम सभी को पीना अच्छा लगता है। जनरली देखा जाए तो इंडिया में, इंडिया के कोई भी प्रांतर में आप जाते हो तो आपको तीन टाइप के टी देखने को मिलेगा, मतलब तीन टाइप्स। जैसे एक एकदम नॉर्मल एंड जनरल जो ब्रिटिश लोगों ने हमें सिखाया, वो है दूध वाली टी, जो सब जगह में मिलता है, चाय की टपरी में, अच्छे अच्छे होटल में, ताज होटल में, या आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हो ना तो वहां पे भी वो टी पीने को मिलता है व देखने को मिलता है। और गांव देहात में आप जाएंगे तो वहां पे मिलता है ब्लैक टी, जिसमें हम लोग लीकर टी कहते हैं, जिसमें सिर्फ चाय पत्ती और शुगर एंड थोड़ी बहुत तुलसी के पत्ते डाल के बनाया जाता है टी। और जो मेरी तरह एकदम हेल्थ कॉन्शियस होती है ना, जो लोग वेट लॉस, वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, वो लोग पीती है ग्रीन टी। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक असरदार, बहुत ही जबरदस्त, बट इसमें कैफीन नहीं है, इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है, इवन आपको शुगर डालने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी टी जिसकी आपकी टमी को तो खुश रखेगा, गट हेल्दी होगा, साथ ही साथ और भी बेनिफिट है। तो इस बेनिफिट्स और क्या क्या है, और टी को किस तरह से बनाया जाता है, और इस टी के पीछे छोटी सी स्टोरी है, ये सब जानने के लिए प्लीज ज्वाइन कीजिए मेरे इस ब्लॉग। इस चाय का नाम है एप्पल सिनेमन टी। शौकना तो स्वाभाविक है, एप्पल से कोई टी बना सकता है क्या? यस, बना सकते है। हमारे इंडिया के लोग नहीं पीते, लेकिन कुछ कंट्री में एप्पल से भी टी बनाया जाता है और पिया जाता है। तो ये जो टी है ना, ये मेरे एक फ्रेंड ने बताई है, एप्पल टी है। और एप्पल ना हो ऐसा हो सकता है क्या? एप्पल। तो चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तीन चीजें, मेन चीज एक है एप्पल, बिग साइज एप्पल, और इस एप्पल से आप दो लोगों के लिए चाय बना सकते हो। दूसरा है ये, इसको स्टार एनासा कहते हैं, ये स्टार की तरह दिखता है ये फ्लावर, ये हमारे इंडियन घरों में मिलता है, ये वन टाइप ऑफ स्पाइस है जो आपके बिरयानी में डाला जाता है, और इसका खुशबू ना जबरदस्त है। तीसरी है ये दालचीनी की पाउडर, सिनेमन पाउडर, जो मैंने इसको कूट के अच्छे से बना के रखी है। और आपके पास सिनेमन पाउडर नहीं है तो आप सिनेमन स्टिक भी यूज कर सकते हो। तो पहले प्रोसीजर है, इस एप्पल को धो लिया है और इसको अच्छे से काटेंगे। सो वन थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप चाहो तो इस एप्पल की जो स्किन है इसको भी आप डाल सकते हो, मतलब नाक पील करके इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। अदरवाइज जिनको लगता है कि नहीं एप्पल के स्किन के ऊपर वैक्स है, तो आप स्किन को पील करके भी डाल सकते हो, तो मैं ऐसे ही डालूंगी। तो चाय की सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है पॉट में, अब इसे ढक दूंगी। थोड़ी सी लो फ्लेम में, हाई फ्लेम में इसको पकाना नहीं है, लो फ्लेम में इसको पकाना है। और आपका दालचीनी, स्टार एनासा और जो एप्पल है, ये सब मिक्स होकर एक ऐसा कॉकटेल बनेगा, एक ऐसा डिकॉक्शन बनेगा जो आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। सो इस एप्पल जो टी है, इसका काफी बेनिफिट्स है। जब मैंने गूगल में सर्च किया तो इसमें बेनिफिट्स का भंडार मुझे मिला, जिसमें पहला बेनिफिट ये है, इन्फ्लोमेशन, बॉडी का इन्फ्लोमेशन कम करता है, आपका स्किन ग्लोइंग रखने में मदद करता है,
तीन छह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है चीज जो मैंने पहले ही बताया है, गट हेल्दी, आपकी गट को बहुत अच्छा रखता है, वेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि जनरली हम लोग जो भी टी एंड कॉफी पीते हैं उसमें दूध डालते हैं, तो दूध शुगर एंड चाय पत्ती ये सब मिल के 160 मतलब कैलोरी आप लेते हो एक कप से, तो आप दिन में तीन बार बार चार बार पीते हो तो 500 कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल कप से, लेकिन इसमें कैलोरी मुझे लगता है जीरो के बराबर है। तो ये टी आपकी वेट मैनेजमेंट करने के लिए मदद करेगा। एंड वो जो आपके ग्रीन टी से भी अच्छा है, इसके इसमें ना एप्पल की खुशबू आती है, सिनेमन की खुशबू आती है और पीने में भी अच्छा लगता है। आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो और इसमें नही भी ऐड कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका टेस्ट सुपर है। तो 2 महीने से मैं पी रही हूँ और इसमें और भी बेनिफिट है कि इसको पीने के बाद आपकी जो कोलन है उसमें जमा हुआ गंदगी वो साफ हो जाता है एकदम। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है जिसको पीने के बाद ही आधे घंटे के अंदर आपकी पेट की सारी गंदगी खत्म हो जाएगा। इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया ना, और 2 मिनट रखेंगे। चीयर्स दोस्तों, आज के शाम इस एप्पल के नाम टी जबरदस्त है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैंने इस टी में शुगर ऐड नहीं किया है और इसमें हनी नहीं ऐड किया है, बस कोई स्वीट चीज इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, फिर भी इसमें एक हल्का सा मिठास है और थोड़ा सा खट्टापन, दालचीनी का खुशबू आ रही है और जबरदस्त है। तो फिर से मैं बता रही हूँ इसका बेनिफिट, एंटी इन्फ्लोमेशन प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, आपकी स्किन को ग्लो रखने के लिए बहुत कारगर है, वेट कंट्रोल करने के लिए कारगर है, इसके साथ साथ आपकी गट हेल्दी है, फिर से बता रही हूँ गट हेल्दी, आपकी कोलोन को क्लीन करने के लिए बेस्ट टी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप रेगुलर पी सकते हो एनी टाइम। इस चाय की चुस्की लेते लेते आज की ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग में, तब तक बाय बाय टाटा।